हाय ऑल, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर पे हम किचन के इंग्रेडिएंट से कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। क्लीन अप में सिर्फ तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्लिंजिंग, सेकंड स्क्रबिंग, थर्ड पैक। हम इसमें नरिशिंग क्रीम नहीं यूज़ करते। सो हम क्लिंजिंग के लिए घर के इंग्रेडिएंट्स में से दही लेने जा रहे हैं, और स्क्रब के लिए हम आटे का छना हुआ चोकर, हम इसकी जगह सूजी और चावल का आटा भी ले सकते हैं। और पैक के लिए हम यूज करेंगे हनी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैंड लगाना है ताकि हमारे हेयर्स खराब ना हो। अब हम फर्स्ट क्लिंजिंग के लिए दही यूज करेंगे। ये हर स्किन टाइप के लिए यूज हो सकता है। इसकी जगह हम एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। हम इसको पहले ऐसे अप्लाई करेंगे। सर्कुलर मोशन में हम इसको इसके साथ क्लिंजिंग करेंगे। ये हमारी स्किन की डीप क्लिंजिंग करता है। इससे सारी डस्ट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा। हमने ज्यादा प्रेशर के साथ इसको नहीं करना। सिर्फ हमने फिंगर टिप्स यूज करने हैं हल्के से। अब हम इसको क्लीन करेंगे। हम क्लिंजिंग सिर्फ 2 to 3 minutes ही करेंगे। अब हम टिश्यू पेपर के साथ इसको रिमूव कर लेंगे। हमारी स्किन से सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी इसके साथ। अब हम यूज करेंगे स्क्रब। हम इसकी जगह ओटमील्स भी यूज कर सकते हैं, ओट्स भी। इसमें हम हल्का सा लोशन भी मिक्स कर सकते हैं ताकि ये क्रीमी फॉर्म में बन जाए। एक्ने प्रॉन स्किन पे हम ज्यादा इसको हार्शली रब नहीं करेंगे। हल्का ऐसे ही सर्कुलर मोशन में माइल्ड सा इसको हमने फिंगर टिप्स के साथ रिमूव करते जाना।
इसको भी 3 to 4 minutes करने के बाद हम रिमूव कर देंगे। हम हल्का सा इसको टॉवल के साथ भी रिमूव कर सकते हैं ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं निकल जाएं। इसके बाद हम फेस भी वॉश कर सकते हैं। अब हम हनी अप्लाई करेंगे फेस पैक की जगह पे। हनी हर तरह की स्किन पे जाता है और इसको लगाने के बाद स्किन ग्लोइंग हो जाती है। ये हम वैसे भी हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। को हमने अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ना है, देन हम फेस वॉश कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज क्लीनअप, जो कि हम घर में किचन में से इंग्रेडिएंट्स उठा के यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजी है और इसमें कोई भी स्किन को हार्म नहीं होता और बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो आज के लिए थैंक यू।